एक सेल्फी हो जाए। हाँ चलो। हाय गाइस, दिस इज रदान। हाय गाइस, दिस इज प्रवास। एंड वी वेलकम यू बैक टू द रिएक्शनिस्ट। और आज जी हाँ, कुछ एक साल पहले शायद हम लोगों ने एक फिल्म अनाउंसमेंट के ऊपर रिएक्शन किया था। दैट वाज फॉर द मूवी, इसी चैनल पे गाइस, इसी चैनल पे कहीं और नहीं, इसी चैनल पे। एंड दैट वाज फॉर द मूवी कॉल्ड सेल्फी। जी हाँ, उसका ऑफिशियल ट्रेलर एक साल बाद आज रिलीज होने वाला है, हो गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर सेल्फी। स्टार कास्ट बहुत बढ़िया है मेन लीड में। सो लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर राइट नाउ। मुझे साल में चार पिक्चर करनी होती है, दो ओटीटी की भी। भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करता हूँ। लाखों करोड़ों फैंस की तरह मेरे और मेरे बेटे का भी सपना है इमरान हाशमी आफ्टर सो मेनी डेज। विजय सर के डांस नंबर के बारे में कुछ कहा ना तो अपना डिवोर्स हो जाएगा। ये गाना मस्त लग रहा था मुझे। दुनिया जानती है कि अगर एक्टिंग के अलावा मेरा कोई दूसरा प्यार है तो वो है ड्राइविंग। अच्छा पुलिस सर होते हैं, विजय सर के पास लाइसेंस नहीं। डोंट एंग्री मी, पकड़वा दूंगा। सेल्फी दिलवा दीजिए प्लीज। ऐसे फैंस की वजह से हम जिंदा हैं, वरना हम तो कब के। फाड़ू गाना है। मैं फैंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बस बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते हैं। सबके सामने अपनी यही चोर दिखाना चाहते थे ना तुम, कि तुम्हारे कहने पर एक फिल्म स्टार सुबह 7 बजे आगे आरटीओ। तुम्हें क्या लगता है तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो क्या लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे? बेटा एक बात सीख, अपने बाप जैसा ना अपॉर्चुनिस्टिक कभी मत। ये तो गलत हुआ। मैं खिलाड़ी तो ना हारी। लड़ाई के सबसे बड़े फैंस है, अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। वाह, अरे बाप रे, वो ही गाना। ये शाहरुख खान का जो फैन है ना, उसका थोड़ा सा लाइटर वर्जन है। अगर उन्हें लाइसेंस चाहिए तो एक आम आदमी की तरह यहाँ आकर सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। फैन था ये सर का। वाओ, ये अच्छा है। वॉल्यूम बढ़ाइए। अपना नहीं, टीवी का। ब्लड टेस्ट चाहे तो ब्लड टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब लेके जाऊंगा और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाऊंगा ओम प्रकाश अग्रवाल जी के हाथों। तो अग्रवाल साहब, ये कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही रहते हैं फैंस के। वाह, ये कुछ होगा लग रहा है। वाइब आ रहा है। वाह, ये गाना होगा इसमें। ये तो 4% होने वाला है। डायना पेंटी। आपको आईडिया नहीं है, जब एक सीधे साधे आदमी सटकती है तो आपके साथ तक जा सकता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आज शुरू से शुरुआत करते हैं। सही लग रहा है यार। ओके ओके, डांस ऑफ 24th February। So guys, we watched the trailer for Selfie. काफी बढ़िया था, एक मजेदार ट्रेलर है। काफी काफी और अच्छा। वैसे भी राज मेहता बहुत अच्छे तरीके से अक्षय कुमार को यूटिलाइज करता है अपने पिक्चर्स में और काफी अच्छी तरीके से वो डायरेक्शन करते हैं, जैसे उन्होंने पिछली मूवी में किया था गुड न्यूज में। गुड न्यूज एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब। और जुग जुग जी तो वैसे थी ही अच्छी, जिनमें अक्षय कुमार सर नहीं थे, लेकिन फिर भी इट वॉज अ वेरी गुड मूवी। और म्यूजिक के बारे में क्या कहें, म्यूजिक इज रियली वेरी गुड। और वैसे भी इस कहानी के बारे में अगर कहा जाए, जैसे हम लोगों ने फिल्म अनाउंसमेंट में बताया था आपको कि दिस मूवी सेल्फी हैज बीन अडैप्टेड फ्रॉम 2019 मलयालम हिट ड्राइविंग लाइसेंस, जो जिसमें पृथ्वीराज सर ने एक्टिंग की थी मेन लीड पे, एंड उसी का एक अडैप्टेशन है। ये राज मेहता जी ने ये बताया है मीडिया को। सो वी रियली वॉन्ट से कि ये डायरेक्ट रीमेक है, तो शायद कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे चेंजेस हमें दिख भी रहे हैं। सो एवरीथिंग व्हाटएवर वी सी इज एब्सोल्युटली ग्रेट। पूरा मसाला मूवी है, कहानी में भी थोड़ा बहुत तड़का है। और जैसे मैंने कहा ट्रेलर के दौरान कि शाहरुख खान का जो फैन हम लोगों ने देखा था कई सालों पहले, आई गेस इट वाज 2016 में 16 या रिलीज हुई थी, बहुत भयंकर हाइप था उसका।
तो उसकी कहानी भी कुछ ऐसी थी, लेकिन फैन थोड़ी सी डार्क थी. वी डोंट फाइंड दोस ग्रे एरियाज आउट है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो चलता ही है. सो यहाँ पे वो अच्छा बुरा वो तो कहानी का लगा ही रहता है. सो कॉमेडी एलिमेंट्स इसमें है, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, एवरेज नोशन पे है कि लोगों को मजा आएगा. एक रोलर कोस्टर राइड है, एक फैमिली एंटरटेनर है, राइट. यू नो रिदान, लास्ट टाइम मैंने अक्षय कुमार को ऑन स्क्रीन एक सुपरस्टार प्ले करते मैंने एक मूवी में देखा था, वो था शॉकिंग्स. उस मूवी में वो एक सुपरस्टार थे, right. तो उसके बाद मैं डायरेक्टली इस मूवी में मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वो एक सुपरस्टार है. और देख के ही पता लगता है कि इमरान हाशमी और उनके बेटे दोनों मतलब पागल फैन है अक्षय कुमार के. विजय सुपरस्टार ऐसे कुछ है उनका नाम, विजय नाम है, विजय कुमार नॉट अक्षय कुमार, अक्षय कुमार. उनको एक सेल्फी लेना होता है उनके साथ, तब जाके वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है अक्षय कुमार के साथ, और यहाँ पे उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता ऐसा कुछ. जैसे कि उस एक्टर का एक अलग शौक है ड्राइविंग, एक शौक है उसका, जिस कारण से उनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा. तो इस बीच में ये यू नो ये जो सारे एरर्स होते हैं, सारे कंफ्यूजन होते हैं, एक लड़ाई होती है एक कॉमन मैन और एक सुपरस्टार के बीच में, वो देखने को मिलेगा. कोई नया ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं है कहानी में, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पहली बार ऐसी कोई कहानी देखी है या सुनी है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन अलग होने वाला है दूसरे मूवी से और मजा आएगा. और इमरान हाशमी और अक्षय कुमार का अगर कॉम्बिनेशन हो तो क्या बात है. सबसे पहली बात बताऊं गाइस कि हम बचपन से हम सोचते थे कि अगर अक्षय कुमार और इमरान हाशमी एक साथ काम करें, क्योंकि दोनों ही काफी टैलेंटेड एक्टर हैं और दोनों ही काफी अच्छी तरीके की मूवीज करते आए हैं सारी जिंदगी भर अपने करियर में, तो हम दोनों चाहते थे कि दोनों अगर एक साथ कॉमेडी ही सही या फिर कोई अच्छी स्क्रिप्ट में अगर वो दोनों आ जाए, तो आज हमारी ये जो हमारे जो सपना था वो पूरा होने वाला है. आज हम दोनों एक साथ इस दोनों बड़े एक्टर को एक साथ एक मूवी में देखने वाले हैं, राइट. और मैं काफी ज्यादा ध्यान से दो चीजें मैं देख रहा हूँ जहाँ पे ढेर सारे नाम जुड़े हुए हैं. मैं म्यूजिक और लिरिक्स में मैं बहुत सारे नाम देख रहा हूँ, जैसे मैं खिलाड़ी तू नाड़ी जो 1990s की जो मेगा हिट गाना था जो अनु मलिक सर ने कंपोज किया था फॉर द मूवी मैं खिलाड़ी तू नाड़ी, टाइटल सॉन्ग था जिसमें सैफ अली खान और अक्षय कुमार सर ने एक्टिंग किया था. कहीं भी आप चला दो वो गाना बंदे नाचेंगे ही आंख बंद करके, ये गारंटी है. सो म्यूजिक में हम लोग कई सारे नाम देख रहे हैं, जैसे अनु मलिक है, तनिष बागची, योयो हनी सिंह, दी प्रोफेसी, लीजो जॉर्ज, डीजे चेतस, विक्रम मोन्त्रोस, आदित्य यादव, तरुण. और लिरिक्स में अगर कहें तो बहुत सारे लिरिक्स यहाँ पे है, माया गोविंद, एंड देन वी हैव तनिष बागची अगेन, योयो हनी सिंह, दी प्रोफेसी, शब्बीर अहमद, कुणाल वर्मा, अभिनव शेखर, विक्रम मोन्त्रोस, आदित्य यादव, अजीम दयानी. क्या बात है, क्या बात है, ये तो सारी टीम एक साथ, तो क्रिकेट टीम हो गई यार ये म्यूजिक की तो. और आई होप कि इतने सारे लोगों को अगर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं तो गाने अच्छे आए, और इन इतने सारे लोगों को मिला के अगर अच्छे गाने नहीं बने तो क्या ही कहे. हाँ, क्योंकि और वैसे भी इसका हाइप बनाने के लिए आपको एक 90s का गाना इस्तेमाल करना पड़ रहा है. ये तो एक कल्चर हो गया है कि 90s के गानों को फिर से रीमेक किया जा रहा है, बहुत सारे बीट्स लगा के फिर से नए गाने को की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, फिर से रीयूज किया जा रहा है. ये तो 2-3 सालों में हम लोगों ने कई बार देखा है गाइस. जो भी हो, म्यूजिक अगर इतने लोग अगर एक साथ है तो म्यूजिक अच्छा ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है. तो म्यूजिक म्यूजिक तो काफी अच्छा है. तो कास्ट के बारे में जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा है और एविडेंट है आंखों के सामने है, हमारे अक्षय कुमार है, इमरान हाशमी, नुसरत भरूचा, डायना पेंटी, एंड दिस इज अ कास्ट एज ऑफ नाउ. इसको प्रोड्यूस बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया है, हीरो यश जोर, अरुण भाटिया, सुप्रिया मेनन, करण जौहर एज यूजुअल, पृथ्वीराज सुकुमारन सर का ये उनका होम प्रोडक्शन था बाय द वे जो उन्होंने मलयालम में बनाई थी, अपूर्वा मेहता एंड लिस्ट एंड स्टीफन. सो ये मूवी रिलीज होने वाली है 24th of February गाइस. तो जरूर जाइए अपने कैलेंडर को मार्क कीजिए, क्योंकि इन बड़े रिलीजों के बीच में भी एक ऐसा रिलीज है जो आपको जरूर पसंद आएगा. एक यू नो एक बहुत सारा एक हैवी वेट, अगर आप भारी सा कोई खाना खा लेते हो तो आपको एक मीठा सा डेजर्ट भी चाहिए. सो आपके लिए सेल्फी विल बी अ स्वीट एंड यू नो वेरी लाइट डेजर्ट. तो जरूर इसको एंजॉय कीजिए, और हमारे रिएक्शंस को, हमारे रिव्यूज को एंजॉय करने के लिए कम टू आवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे. हमें अगर आप चाहे तो सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, वी नीड दैट. हम आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं. अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करना हो किसी और ट्रेलर को लेके, किसी और गाने को लेके, किसी भी कंटेंट को लेके, तो आप जरूर आके वहां पे अपडेट कीजिए, और हम अश्योर करते हैं आपको कि हम जरूर आपको जवाब देंगे.
और गाइस जितने भी लिंक्स है सोशल मीडिया के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएंगे। इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ रहिए, साथ रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।